पटना के गोल इंस्टीट्यूट की तरफ से एनुअल फेलिसिटेशन फंक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें नीट 2023 में सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में टॉप करने वाले छात्रों को गोल्ड मेडल के साथ साथ 25,000, 10,000 और 5,000 का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 400 छात्रों को सम्मानित किया गया। थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर से मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग इन सभी के लिए करें, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ मेडिकल्स का ब्रेन लगा हुआ रहता है, उनका एडवाइस। इस कार्यक्रम में आज जितने भी स्टूडेंट्स हमारे नीट 2023 में जो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें जो सफल स्टूडेंट हुए हैं उन्हें हम लोग फेलिसिटेट करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं। और आज के इस सेमिनार में, आज के इस फेलिसिटेशन फंक्शन में मोर देन 400 स्टूडेंट्स को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, जबकि 700 से अधिक स्टूडेंट्स इस बार हमारे इंस्टीट्यूट से ऐसे निकले हैं जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है। इसमें मोर देन 400 स्टूडेंट्स हैं जो आज गोल्ड मेडल जिनको मिला है, जिनको एप्रोन मिला है, जिनको स्टेथो मिला है, और 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हम लोगों ने चेक दिया है, जो हमारे टॉपर्स हैं 680+, जिन्होंने मार्क्स स्कोर किया है। एक स्टूडेंट ने 695 आउट ऑफ 720 स्कोर की है। तो इस तरह के जो टॉपर और रैंकर्स निकले हैं उन्हें हम लोग चेक के थ्रू उनको अवार्ड दिया है। साथ में हम लोगों ने चेक 25,000 का दिया गया है, जो सबसे बेस्ट रैंकर है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस दिन के लिए, सपना देखा था, बहुत अच्छा लग रहा है। हम गोल विलेज में थे, वहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे और टेस्ट दिया करते थे, वैसे पढ़ाई किए और टीचर का भी बहुत सपोर्ट था। कोचिंग की तरफ से 5,000 का चेक है और ये अवार्ड से टॉप परफॉर्मर ऑफ द इन द गर्ल्स। मतलब जितना जान लगाने लगा दीजिए, क्योंकि सफलता मिलेगी तो बहुत खुशी होती है, जैसे हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है, खुशी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इतने साल से एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे, अब हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में नंबर ही बढ़िया है, साथ में इसमें मिला है, अवार्ड वार्ड भी मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर बहुत अच्छा लग रहा है, वर्ड्स कम पड़ रहा है एक्सप्रेस करने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। या बहुत साल का मेहनत था, अभी फाइनली पे ऑफ हो रहा है। यहाँ के टीचर्स भी सपोर्ट किए, तो सबका हार्डवर्क एक साथ है जो यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है। तो ये मेरा ही नहीं, यहाँ पे जितने टीचर जो मेरे जो शुभचिंतक है सबके, सब ये डिजर्व करते हैं। सो बढ़िया लग रहा है। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में भारत न्यूज़24। कोयला राजधानी धनबाद से बनेगा आम जनता की आवाज। धनबाद से 24 घंटे प्रसारित होने वाला पहला न्यूज चैनल। हम समस्या में नहीं समाधान में विश्वास रखते हैं। हम सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखते हैं। सच के परोपकार हैं और आम लोगों की आवाज बनते हैं।